हमें अपहरण किया गया। कितने का लगता हम है? पांचों लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर ये जंगल में लेके गए, हमसे मारपीट करी गई। वो एक प्रतिमा लगी थी यहाँ बाबा साहब की, वो यहाँ से उठा उठा कर फेंका गया। लेकिन जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद जो पहले चलता था वैदिक काल से, वो आज भी हमारे हायर एजुकेशन में दिख रहा है। अगर अम्बेडकर ने आज अधिकार ना दिया होता तो हम लोग मंदिर में जाने लायक नहीं होते, और हम नहीं जाएंगे मंदिर में, क्योंकि हमारे मंदिर में जाने की जगह नहीं, हमारी यूनिवर्सिटीज में जाने की जगह, हमारी लाइब्रेरी में जाने की जगह है, हम नहीं जाएंगे मंदिर में। प्रतिमा, हमारे बाबा साहब का प्रतिमा, भगवान बुद्ध का प्रतिमा जो है वो फेंक रहा था, लात से मार रहा था। ये हम लोगों को बहुत तकलीफ लगा कि हमारे महापुरुषों के साथ किस तरह अपमानित किया जा रहा है। क्या हुआ होगा अम्बेडकर जी के साथ उस समय? आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं, आज 21वीं सदी में जब हमारे साथ ये हो रहा है कि हम जब यहाँ से जबरदस्ती उठाए जा रहे हैं तो हमारे साथ यहाँ पर शुद्धिकरण किया जा रहा है। तो ये जो घटना हुई है पूरी, मतलब 21वीं सदी में, और जहाँ एक तरफ समता, बंधुता, भाईचारे की बात देश की तमाम सत्ताएं करती रहती हैं, लेकिन ये जो हुआ है इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये गलत है। और मैं एक चीज़ में बताना चाहता हूँ, जो यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय पे जो हुआ 9 जनवरी को जो हुआ है, करीब 7:30 बजे हमको उठाया गया और हमें ये नहीं पता कहाँ लेके गए इन लोगों ने, क्या है, हमें अपहरण किया गया। हम पांचों लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर ये जंगल में लेके गए, हमसे मारपीट करी गई। और इस डॉक्टर भीम, यहाँ से जब ये यहाँ पे बाबा साहब के फोटो लगी थी, वो एक प्रतिमा लगी थी यहाँ बाबा साहब की, वो यहाँ से उठा उठा के फेंका गया। उन्होंने ये बोला कि यहाँ के चमार और ये जो है कलंक है यहाँ, और उन्होंने यहाँ गंद फैला रखा है। मैं आज उनको ये चीज बताना चाहता हूँ, ये आप देख रहे हैं, यहाँ ये धुलाई करी गई और गौमूत्र से जो शूद्र वो करा गया। तो यहाँ का जितना ये स्टाफ है, ये सब यहाँ का ये मिला हुआ है। ये दिखाता है कि किसी भी तरीके के हायर एजुकेशन हो जाए या कितनी भी सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो जाए, कितने भी प्रोफेसर्स वगैरह प्रोग्रेसिव आप देख लीजिए, लेकिन जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद जो पहले चलता था वैदिक काल से, वो आज भी हमारे हायर एजुकेशन में दिख रहा है। तरीका बदल गया है, तरीका बदल दिया गया है, प्रोफेसर्स को निकालना, क्या कहते हैं, उनके ऊपर जातिवादी गालियां देना या फिर स्टूडेंट्स को कम मार्क्स देना, ये सब चल रहा है। लेकिन हायर एजुकेशन में आने वाला आज के समय में भी जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद भरा हुआ है। हम इस इंसिडेंट से ये देख सकते हैं कितना घोर तरीके से DU एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ब्राह्मणवाद की जकड़ में है, और RSS BJP का पूरा कंट्रोल है इन यूनिवर्सिटीज पर। DU का जो वाइस चांसलर है वो RSS से है, जो हमारे सविता रॉय, जिसके ऊपर हम लोग अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, कि जिन्होंने रितु सिंह को जिन्होंने निकाला उनको अरेस्ट करने की हम बात कर रहे हैं, वो भी BJP से ताल्लुक रखने वाले हैं। और ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं, लगातार संघर्ष उसी के लिए किया है बाबा साहब, और अब जो पीढ़ियां हैं वो सांस ले रही हैं खुली हवा में, ऐसे में तो संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा। संघर्ष बढ़ना चाहिए और हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। अगर हमें अपनी जनरेशन को आने वाले समय में एजुकेटेड बनाना है, अगर हमें ये रखना है कि अम्बेडकर, पेरियार, फूले को पढ़ा जाए, अगर हमें ऐसी यूनिवर्सिटीज बनानी है, तो हम लोगों को अपने बच्चों को निकालना पड़ेगा बाहर, हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग डरने वाले नहीं है, हम अम्बेडकर को मानने वाले, हम फूले को मानने वाले, हम शांति से आएंगे, पढ़ाई भी करेंगे, क्वेश्चन भी उठाएंगे, और हम हर जगह जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव में भी करेंगे। राम को नहीं मानते वो चमार, ये टर्म बहुत वेग हो जाती है, इस तरीके से देख लीजिए। मैं राम को नहीं मानता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तबके में आपने आज तक दलितों को जोड़ा नहीं गया, मैं एक दलित हूँ, और आपने जिस तबके में कभी भी दलितों को जोड़ा नहीं गया, उस तबके में आज आप कहते हैं कि आप हिंदू बन जाइए, आप राम को मानना शुरू कर दीजिए, मैं क्यों मानूं? कि आपने कभी मंदिर में जाने दिया किसी? अगर अम्बेडकर ने आज अधिकार ना दिया होता तो हम लोग मंदिर में जाने लायक नहीं होते, और हम नहीं जाएंगे मंदिर में, क्योंकि हमारे मंदिर में जाने की जगह नहीं, हमारी यूनिवर्सिटीज में जाने की जगह, हमारी लाइब्रेरी में जाने की जगह है, हम नहीं जाएंगे मंदिर में। बंद हो रही है ना आप लोग, और यूनिवर्सिटी की जगह को रिक्लेम करना पड़ेगा। जिस तरीके से डॉक्टर दित्तू का संघर्ष चल रहा है, हम लोग इस संघर्ष को जिंदा रखेंगे। हम लोग छात्रों से अपील करते हैं, हम लोग छात्रों से, अपने समाज से, बहुजन से अपील करते हैं कि यहाँ पर आइए और हम लोग का साथ दीजिए। 85% का बहुजन समाज है, सड़कों पर बहुत कम है, असक्ति। बिल्कुल, एक कमी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सवाल ये भी है कि वैदिक काल से जिस समाज को झगड़ा गया है जातिवाद में, मनुवाद, ब्राह्मणवाद से, वो समाज आज भी इतना प्रोग्रेसिव नहीं हो पाया कि वहां तक चीजें पहुंच पाए, और हर किसी के पास इतना रिसोर्स नहीं होता है। आप देखेंगे गाँव में आदिवासीज हैं, इतने सारे लोग हैं, उनके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो यहाँ पर आके अपनी बात रख सके, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये लोग जितना भी यहाँ पर बहुजन लोग इकट्ठा हुआ है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस रोल को निभाना, जितना लोग यहाँ पर नहीं आ पाता है, हम लोग बहुत कम परसेंट लोग हैं जो सेंट्रल दिल्ली में आ पाते हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ पाते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग उसको आवाज दें। शहरों में इस तरह के हालात, तो गांव के विद्यार्थी किस तरीके से संघर्ष करेंगे? शहरों के ये हालात है तो गांव के विद्यार्थी रहते ही नहीं है, गांव में विद्यार्थी है ही नहीं, गांव में विद्यार्थी पढ़ने ही नहीं दिए जाते हैं,
विद्यार्थी निकलती नहीं जाती है, उससे पहले ही उनको बता दिया था कि आप चमार है तो आप ये चमड़े का काम करेंगे, अगर आप क्या कहते दलित है तो आप मेलो स्केवेंजर बनेंगे, आप नालियां साफ करेंगे, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। अगर वो स्कूल में जाते तो उनके साथ जातिवाद होता है, यूनिवर्सिटी में जाते तो आप देख लीजिए ऐसा जातिवाद होता है। और इस संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा, हम लोग को उतरना पड़ेगा सड़क पर और सारी यूनिवर्सिटीज स्कूल सब रिक्लेम करने पड़ेंगे, अपना स्पेस रिक्लेम करना पड़ेगा। देखिए जिस प्रकार डिटेन किया, इसको डिटेन नहीं कहा जाता है, ये यहाँ पर डकैत हुआ है। अब बताइए 138 दिन से लगातार कंटिन्यू डॉक्टर रितु अपने धरने में बैठी हुई है, इसमें से हम लगभग 2 महीना साथ में डॉक्टर रितु के साथ में हैं। अचानक आज से 2 दिन पहले 300 बल संख्या पे पुलिस आते हैं और हम लोगों को सुबह, अच्छा 5 व्यक्ति हम हैं और 4 साथी, यानी कि पहला डिटेन हम लोगों को किया गया और दूसरी डिटेन हमारे डॉक्टर रितु को क्या किया है। दो बार भी डिटेन हुई थी, पहले सुबह डिटेन हुई और शाम को फिर डिटेन हुई। पहला डिटेन हम लोगों को किया गया, जैसे ही हम लोगों को डिटेन होती है, जैसे हम लोगों को डिटेन होती है शाम को फिर इन लोगों को डिटेन करके चला जाता है। अब यहाँ सारे जितने भी सामान थे, ये सारे सामान हटा करके जो हमारे बाबा साहब का प्रतिमा थे डिटेन के समय में, उस समय हमारे प्रतिमा, हमारे बाबा साहब का प्रतिमा, भगवान बुद्ध का प्रतिमा जो है वो फेंक रहा था, लात से मार रहा था। ये हम लोगों को बहुत तकलीफ लगा कि हमारे महापुरुषों के साथ किस तरह अपमानित किया जा रहा है। और जैसे ही सारे सामान उठा करके यहाँ से ले गए तो इन लोगों ने शुद्धिकरण किया, कहाँ जहाँ पर बाबा साहब का प्रतिमा थे, जहाँ हम लोग बैठते थे, ये कह करके कि वहाँ पर चमारों का धरना होती है, तो वहाँ पर जब हम लोगों को डिटेन करने के बाद यहाँ पर आ करके ये शुद्धिकरण किया। और जब हम लोगों को यहाँ से गिरफ्तारी करके ले गए, ले जाने के बाद रात्रि एक बजे हम लोगों को छोड़ा, लगभग 8 से 10 किलोमीटर के दूरी पर जाकर के हम लोगों को छोड़ा। और उसी बीच में लगभग जब दूसरी डिटेन जब हुई, जब दिल्ली पुलिस इन लोगों को गिरफ्तारी किए, डॉक्टर रितु को गिरफ्तार किया, जब हम जिस थाने में थे वही थाने पर लेकर के गया, हम लोगों ने बताया कि हम लोगों को मिलने दीजिए, हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया और बोला कि अभी हम आप लोगों को छोड़ देते हैं। और यहां कहते हैं हमारे डॉक्टर रितु को, पूरी टीम को कहता है कि वो लोग कहां है नहीं पता, लेकिन उसी थाने पर हम लोग भी हैं, हमारे सारे मोबाइल छीन लिया गया था, सारे साथी का मोबाइल छीना हुआ था और वहां से हम लोगों को चोरी छुपके से पीछे तरफ रास्ता, जो पुलिस जो पीछे तरफ रास्ते थे उस रास्ते से हम लोगों को वहां से निकाल करके किसी तरह करके छुपे जो चोर जिस तरह का भागता है ना उस तरह एक एक करके दो दो करके हम लोगों को वहां से ले जा करके लाइट ऑफ करके ले करके भगाया गया और गाड़ी में बिठाया। और वहां बिठाने के बाद 8 से 10 किलोमीटर दूरी में हम लोगों का छोड़ा, बोला कि मोबाइल में बात मत करना और किसी को मत बोलना कि हम लोगों का छोड़ा गया। बताइए ऐसा डिटेन होता है, इस तरह का डिटेन होता है। उसके बाद फिर हम लोगों के पास जब मोबाइल आया तुरंत फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद पूरे इनके हमारे जो टीम थे और डॉक्टर रितु को फ़ोन किए तो बोला कि हम लोग अभी भी धरने में है, थाने में है, आप लोग थाने आ जाए। तो हम लोग फिर दोबारा हम थाने गए और वहाँ जा करके हम लोगों ने बताया कि इसी थाने पर हम लोगों को डिटेन किया गया था। मंदिरों का शुद्धिकरण सुना था लेकिन विश्वविद्यालय में भी शुद्धिकरण हो रहा है, सिर्फ अम्बेडकर की मूर्ति को हटाकर वहाँ पर सफाई हो रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद और सभी व्यूअरों का आपका धन्यवाद, आपने हम बहुजन लोगों की बात को उठाने का प्रयास किया। जाति से मैं यादव हूँ और धर्म मेरा हिंदू है। आप देख रहे हैं कि हम कहाँ रहे हिंदू, अब हिंदुओं और यादवों और चमारों और पारचाऊ लोगों को यहाँ शुद्धिकरण किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि मंदिरों का शुद्धिकरण होता है, लेकिन आप ये सोच लीजिए एक प्रोफेसर, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रोफेसर साजिश के तहत एक प्रोफेसर को, एक दलित बेटी को जिस प्रकार से प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है वो ये है। ये सिर्फ ऋतु के साथ नहीं हो रहा है, यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ हुआ है। अखिलेश यादव जी के साथ आपने देखा होगा, उनका जब उन्होंने उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ तो उनको वहां पर योगी जी ने गंगा जल से उसका शुद्धिकरण करवाया। अर्थात मतलब ये है कि जो भी चुनाव के टाइम पर SC ST OBC को हिंदू के नाम पर डिवाइड किया जाता है, हिंदू बनाकर वोट लिया जाता है, वो SC ST OBC को समझना पड़ेगा कि हम लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। हम लोग न मंदिरों में जा सकते हैं, न विश्वविद्यालयों में जा सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ होगा अम्बेडकर जी के साथ उस समय? आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं, आज 21वीं सदी में जब हमारे साथ ये हो रहा है कि हम जब यहाँ से जबरदस्ती उठाए जा रहे हैं तो हमारे साथ यहाँ पर शुद्धिकरण किया जा रहा है। शुद्धिकरण सिर्फ नाम मात्र का शुद्धिकरण है, हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ना की जा रही है।
मानसिक शोषण हो रहा डॉक्टर हेतु। आप सोच लीजिए यूपी का विपक्ष के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ हुआ था, वैसा ही कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। अन्य विश्वविद्यालयों में यही आप देखने को मिल रहा है जहाँ दलित राम ने कभी नहीं ये कहा कि नहीं आप माइनॉरिटी को ऐसा बोलो, लेकिन आप ये कर ऐसा कर रहे हो कि राम राम जैसा बनने की कोशिश तो करो। आप राम का बन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ राम जैसा बनने की कोशिश कीजिए। राम ने तो ये नहीं कहा कि नहीं आप ऐसा करो सबको, तो लेकिन आप राम जैसा बनने की कोशिश कीजिए। आप राम का चुनाव में प्रचार कर दीजिए, एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, राम को वोट बैंक बना लीजिए, फिर दलित एससी एसटी ओबीसी को वोट बैंक बना लीजिए राम के नाम पर, हिंदू के नाम पर। वैसा नहीं होगा, वैसा होने नहीं देंगे हम। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। अरे बिल्कुल हमें याद दिला देते हैं, हमारे हाथों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति थी कल उसको गिराया गया यहाँ पर, जिस प्रकार से गिराया गया आपने देखा, उस पर पदलांछन किए गए, और एक तरफ कहते हैं हम अंबेडकर के पुजारी हैं। तो ये मार्केटिंग आपको बंद करनी पड़ेगी, जिस प्रकार से हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो आपको मार्केटिंग बंद करनी पड़ेगी। जनता भी समझ चुकी है आप राम को बेचने का काम कर रहे हैं। राम जैसे बोलते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप राम की एक भी मर्यादाओं को नहीं मान रहे हैं आप।